हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओडिशा के मध्य में स्थित बौद्ध जिला ऐतिहासिक तौर पर बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान रहा है, जिसके चलते इसका नाम बौद्ध रखा गया। हालांकि इस जिले का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसकी मान्यताओं और विरासतों में सदियां झलकती हैं। कहा जाता है कि 8वीं और 10वीं शताब्दी में भौमकारा के शासनकाल के दौरान यहां बौद्ध राज्य का धर्म हुआ करता था और इस दौरान बौद्ध धर्म के तांत्रिक शैली का विकास हुआ था। 15वीं शताब्दी तक उड़ीसा में बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा था। इस काल में असंख्य स्तूप और मठ बनवाए गए थे, जो आज भी बौद्ध जिले के इतिहास और विरासत को गौरवमय बनाते हैं। बौद्ध जिले का आधिकारिक तौर पर गठन 2 जनवरी 1994 में कंधमाल से अलग कर किया गया था। ये अलगाव प्रशासनिक सुविधाओं और जिले के विकास को ध्यान में रखकर किया गया, जिसका दूरगामी सफल परिणाम भी देखने को मिला है। मौजूदा समय में ये जिला विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। वहीं यहाँ के सदियों पुराने सौंदर्यपूर्ण ढंग से निर्मित मंदिर, प्राचीन बुद्ध मूर्तियां और गुफाएं पर्यटकों को खासा आकर्षित कर अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान करती हैं। वर्तमान समय में बौद्ध जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट आती है। जिले का मुख्यालय बौद्ध शहर में स्थित है और इसकी सीमाएं अंगुल, नयागढ़, कंधमाल, सुबारनपुर और बलांगीर जिले से लगती हैं। ये जिला कुल 3098 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं इसका जनसंख्या घनत्व 142 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की मौजूदा अनुमानित आबादी 582,334 है, जिसमें लगभग 99% हिंदू लोग शामिल हैं। जिले की ज्यादातर जनसंख्या गांवों में रहती है, केवल 5% के आसपास लोग शहरों में रहते हैं। लिंग अनुपात को देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 951 महिलाओं का है। जिले की कुल 72.51% आबादी साक्षर है, जिसमें 2,71,612 पुरुष हैं और 1,12,964 महिलाएं शिक्षित हैं। यहां ज्यादातर संबलपुर और ओडिया भाषा का प्रयोग होता है। जिले का RTO कोड OD27 है। बात अगर बौद्ध जिले की अर्थव्यवस्था की करें तो ये काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। यहाँ ज्यादातर लोगों का व्यवसाय पशुपालन और मछली पालन है। इसके अलावा यहाँ खनन और कपड़ा उद्योग से जुड़े भी कई लघु और मध्यम उद्योग हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान देते हैं। कई बड़े छोटे धागा मिल और सीमेंट कारखाने भी मौजूद हैं, जो हजारों लोगों को यहाँ रोजगार देते हैं। बौद्ध जिला हथकरघा कपड़ों के लिए भी काफी फेमस है। जिले के आर्थिक विकास में कपड़ा कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो बौद्ध जिले में कई ऐतिहासिक स्थान और स्मारक हैं, जो जिले के ऐतिहासिक घटनाओं को बयां करती हैं। जिले में कई बौद्ध स्तूप हैं, जिनकी शिल्पकला देखते ही बनती है। भैरवी मंदिर और चरी शंभु मंदिर पर्यटकों के बीच खासा प्रसिद्ध है, तो वहीं जोगिंद्र विला पैलेस, मर्जाकुंड द्वीप को देखने पर्यटकों की भारी भीड़ जमा होती है। नायकपाड़ा की अद्भुत गुफाएं और यहां के पौराणिक महत्व वाले गांव यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा आप यहां मौजूद प्राकृतिक स्थलों, पडमटोला अभयारण्य और डामबारूगाड़ा पर्वतों की सैर का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप भी इस जगह को और करीब से देखना चाहते हैं और यहाँ की सैर करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप यहाँ सड़क, हवाई और रेल तीनों मार्गों से आ सकते हैं। हालांकि बौद्ध जिले में कोई हवाई अड्डा नहीं है। झरसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है। वहीं रेलवे स्टेशनों को देखें तो अन्य प्रमुख शहरों से बौद्ध के लिए कोई नियमित ट्रेनें नहीं हैं। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन रायराखोल है, जो बौद्ध से 24 किलोमीटर दूर है,
लेकिन बौध नियमित बसों के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप नेशनल हाईवे 224 के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।